दोस्तों, आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर रोजगार समाचार पत्र की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से हर सप्ताह पब्लिश किया जाता है। बड़ी ही अच्छी टीचिंग जॉब्स आई हैं, सरकारी शिक्षकों की भर्ती आई है दिल्ली में। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही होगी। सब्जेक्ट आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो फिर आपके काम का ये वीडियो है, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। दिल्ली में रिक्रूटमेंट आई हुई है और इन इन विषयों के लिए मैं एक बार आपको विषय बता देता हूँ। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इतिहास, गणित, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत और समाजशास्त्र, इन इन सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इस सप्ताह के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये इस सप्ताह का 8 से 14 अक्टूबर 2022 का रोजगार समाचार पत्र है। इसी रोजगार समाचार पत्र पे आप देखेंगे तो पेज नंबर 19 पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बड़ी ही अच्छी ये रिक्रूटमेंट आ गई है इन सब्जेक्ट के लिए। किसके कितने पद हैं ये जानकारी हम देखेंगे इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पे डेट 21/9/2022 डली हुई है। 7 CPC पे मैट्रिक्स 57,700 रेशनलाइज एंट्री पे है, तो लगभग 85,000 या 90,000 रुपये के आसपास बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल है। मैं अभी किसके कितने पद हैं ये जानकारी आपको और दे देता हूँ। ये डिपार्टमेंट है, ये टोटल वैकेंसी है और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियाँ हैं। कॉमर्स की 17, इकोनॉमिक्स 10, इंग्लिश 10, एनवायरमेंटल स्टडीज 2, हिंदी 5, हिस्ट्री 13, होम साइंस की 1 है, मैथ की 14, फिलोसफी 4 है, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन की 1, पॉलिटिकल साइंस 11, संस्कृत 4 और सोशोलॉजी की 2 वैकेंसियां आ गई हैं। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, देखिए क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी ए और बी, या तो एलिजिबिलिटी ए हो आपके पास या आपके पास एलिजिबिलिटी बी हो। ए या बी में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ए क्या है? मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट या रेलिवेंट सब्जेक्ट या अलाइड सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों के साथ आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ नेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। और एलिजिबिलिटी क्या है? पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और अगर आपके पास पीएचडी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता है ही नहीं। विदाउट नेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, पीएचडी होल्डर। कुछ जर्नल नोट्स दिए गए हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, ये है ऑफिशियल वेबसाइट jdm.du.ac.in। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद का नाम है, ₹500 एप्लीकेशन फीस, वन रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। और फीस अगर आपने एक बार जमा करा दी तो किसी भी परिस्थिति में वो वापस नहीं की जाएगी। तो आप ध्यान से सारी जानकारी ले लें, अगर आप एलिजिबल हो तो ही फिर आप इनके लिए आवेदन करें। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे। ग्रेजुएशन के क्या वेटेज है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल की, एमटेक या एलएलएम या एमएड की क्या वेटेज है, पीएचडी की वेटेज दी गई है, नेट जीआरएफ की क्या है, नेट की क्या वेटेज है, तो आप यहां से ये देख लीजिएगा। वेटेज के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो बड़ी ही अच्छी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आ गई है। जहां तक आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के 2 सप्ताह के अंदर अंदर आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 2 सप्ताह के भीतर है। तो पब्लिकेशन डेट है इनकी 8 अक्टूबर 2022, 8 अक्टूबर से 2 सप्ताह आप जोड़ लीजिए, ये आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।